Maybe Cindy is a half Rahul Hamza. What I'm feeling inside, I cannot even describe. If you asked me, what is my number one bucket list in the world? आपने देख लिया होगा कि मैं पाकिस्तान के कपड़ों में हूँ एंड मैंने पाकिस्तान की जो ऑफिशियल क्रिकेट की शर्ट है वो पहनी हुई है. ऑफिशियली लग रही है. ऑफिशियल चलो जो भी है. बट यू गेस्ट इट राइट, वी आर गोइंग टू सी द मैच एंड एशिया कप हो रहा है. पहले पाकिस्तान इंडिया का हुआ था और ऑनेस्टली जो आप सारी दुबई की चीजें देख रहे थे ये सब उसी की वजह से थी. हमने वो देख के वापस आ जाना था बट इवेंचुअली यू नो वो नहीं जा सके हम, क्योंकि हमने वीजा अप्लाई किया था समवेयर अराउंड अनफॉर्चुनेटली थर्सडे फ्राइडे को किया था और वो उनका होता है मेरे ख्याल से फ्राइडे सैटरडे उनका वर्किंग डे नहीं होता. सो व्हाट हैपेंड वाज कि फिर हमारा वीजा मंडे को आया. हमने कहा यार अब जाया करने का तो फायदा नहीं है, छुट्टी वगैरह भी ली हुई है तो चले ही जाते हैं. एंड अनिया ने अब मुझे बताया कि यार ये ना भी संडे को मैच होगा वो अब या तो पाकिस्तान इंडिया का होगा या पाकिस्तान हांगकांग का या इंडिया हांगकांग का. फिर मैंने कहा अच्छा है, बाकी हांगकांग इतनी अच्छी टीम तो है नहीं, या तो इंडिया हांगकांग या पाकिस्तान हांगकांग. अगर इंडियन हांगकांग है तो फिर बस नहीं जाएंगे, अगर पाकिस्तान इंडिया है तो फिर जाएंगे. एंड हियर वी आर. प्रेडिक्शन जो थी वो हमारी बीवी की बिल्कुल दुरुस्त निकली और मैंने इस दफा प्लान किया है कि ये एक चार्ट पेपर है ठीक है जिसके ऊपर मैं भी लिखने वाला हूँ कि आई केम हेयर ओनली फॉर माई वाइफ बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिकेट फैन. मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट का कोई शौक नहीं है और मेरे में वो क्रिकेट का एंथुजियाज्म नहीं है. तो ये जो शर्ट है ये भी हमारी बीवी ने मंगवाई थी इसीलिए हमने पहन ली है, वरना हम नहीं पहनते. तो जी ये है मेरा पोस्टर और ये मैं इसको लेके जाऊंगा. हाथ नहीं थकेंगे ऊपर रख के. लेकिन नजर भी नजर आने से मैच पे जाने से पहले हमने कहा कि कुछ खा लिया जाए और कुछ चीजें ले ली जाए. तो यहाँ पे हमारे पास स्पिनीस था एंड मैकडॉनल्ड्स वगैरह है. तो देखते हैं अभी क्या खाना चाहिए. डर जाते हैं जब भी मैं ट्रॉली लेती हूं. मैं क्यों डरूंगा यार. फाइनली ये भी मिल गई यार. सो सैड अगर ना मिलती. पर मिल गई. सारी अम्मा ने एक ही तो चीज मुझसे मंगवाई है वो भी ना मैं लेके जाऊं. अम्मा ने मंगाई थी. मम्मा ने मंगाई थी. अम्मा ने यार ब्रूनो की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो हमने ब्रूनो के लिए ना कुछ ट्रीट्स ले लिए, बॉल्स वगैरह ले लिए. हमने कहा चले ये भी खुश हो जाएगा. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद बीइंग अ टूरिस्ट इज कि आप सारी चीजों को ऐसे नदीदेपन से देखते ना कि यार ये भी ले लूं और सारी चीजें ठूस के आप बैग में ले आए. बट बैड आइडिया. सो आई मेट दिस गाय, वो मेरे से पूछते हैं कि यार वेयर डिड यू बाय दिस टी शर्ट फ्रॉम. मैंने कहा अमेज़न. लाइक मुझे भी लेनी है, मैच देखने जा रहे हैं. इसलिए क्या तो हमने पुराने जो मैच की डिटेल्स हैं वो उनसे पूछी कि क्या सीन था. तो सबने ये बोला कि यार 2 घंटे पहले पहुंच जाओ ताकि जगह भी सही मिल जाए और रश भी ना मिले, वरना रश में बहुत बुरा फंस जाओगे. बोले कि यार बैड आइडिया, इससे बेहतर हम पहले पहुँच जाते हैं. तो हमने जो सामान थोड़ा सा लिया ये ज़रा हम होटल ड्रॉप करेंगे. अभी फ़िलहाल ये मैकडॉनल्ड्स हम आए, लेट्स हैव अ क्विक मील. बट ये सीन है कि यार ये होटल लेके जाएंगे और वहाँ पे ड्रॉप करेंगे क्योंकि ज़ाहिर अंदर तो लेके जाने नहीं देंगे, कौन संभालेगा. अच्छा तो यार मैकडॉनल्ड में यूजुअली इतना मिल बनता है अगर आप 2 मील लेते हैं. मतलब एक तो मिल नहीं है बट आइडिया लगा लें 31 dirhams का है. तो 31 dirhams वही बन गया आपका जो हिसाब पाकिस्तान में बनता है. यू नो रफली सिमिलर प्राइस हैं. अब ज़रा खा के बताता हूँ कि सेम है ही नहीं. ये हमारा खाना आ चुका है. बर्गर की कलेक्शन थोड़ी डिफरेंट है, द सिग्नेचर कलेक्शन. देखते हैं क्या फ़र्क है. लाइक कैटेगरी में उसमें जा रहा है वो जो हार्डीज के बर्गर है ना, मशरूम एंड स्विस टाइप. सो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स? नो बट दैट इज बेस एंड दिस इज लाइक ओके. आए मैडम आ जाए. अच्छा ओ सॉरी. सामान शमान हमने रख दिया है और अब हो गया मैच का टाइम. मैच देखने चलते हैं. मैम इधर से आपके लिए मैंने दरवाजा खोला था. ओके. तो जी हम फाइनली आ गए एंड यहाँ पे जरा आपको सीन चेक कराते हैं. सो ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं एंड पाकिस्तानी रिलेटिवली बहुत कम है, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं एंड बहुत लाइवली सीन लग रहा है यार. एंड द क्राउड सीन्स एनर्जेटिक. हाउ डू यू फील पहला इंटरनेशनल मैच स्टेडियम के अंदर जाके जो आई हैव अ टिकट्स रेडी. ठीक है यार मुझे इतनी रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि मैं पहले कभी क्यों नहीं आया. यहाँ पे आप आ रहे हैं ना आपको एक पेट्रियोटिक फील आ रही है. छक्का. ये सीन देखें, ये देखें. अच्छा यार काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों आना है, क्यों मैच देखना है. तो यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बीवी का ये ख्वाब था कि मैच देखना है इंडिया पाकिस्तान का दुबई में. हाउ डू यू फील? अमेजिंग.
We're almost in. ये हमारी एंट्री है G4 General East and we're going in. और जी फाइनली स्टेडियम आ गए और आपको दिखाते हैं नज़ारा. बहुत गर्मी है really, really, really hot. और हम बिल्कुल धूप के इस साइड में बैठे हैं यार. बहुत ही गिने चुने पाकिस्तानी है और मेजोरिटी इंडियन है, इसलिए इंडिया 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 की आवाज़ आ रही है. बट आई होप वी विन. पाकिस्तान जिंदाबाद. दिस स्टेडियम इज लिटरली ब्लू. देयर इज हार्डली यू कैन सी एनी ग्रीन इन द स्टेडियम. इतने इंडियन ओवर पावरिंग मेजोरिटी है पाकिस्तान साइड, इंडिया साइड. जस्ट सीइंग आवर बॉयज अप फ्रंट इज एन इनसेन फीलिंग. इट फील्स सरियल. मुझे ऐसा लग रहा है मैं टीवी देख रही हूं. यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने खड़े हैं ये लोग. नॉट गोइंग टू लेट देम इन. ओके यार वो तो मैं जरा पानी शानी लेने आया था और ये भाई मुझे मिला. ये पाकिस्तानी नहीं है लेकिन व्हाट पाकिस्तान जिंदाबाद. यस पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. आई एम लिटरली लुकिंग फॉर पाकिस्तानी फॉर सपोर्ट. देयर इज पाकिस्तानियों किधर हो. ये भी नेशनल एंथम स्टार्ट होने वाला है. यार 91 पे 2 आउट है. सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही लेकिन जीत जाएंगे. क्यों जीतेंगे ना. 3 आउट है भाई. तभी 2 नहीं. हाँ सॉरी 3. पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. तो जी पाकिस्तान की इनिंग शुरू हो गई. इंडिया की खत्म हो गई है. एंड दे नीड 182 रन फ्रॉम 120 बॉल्स. इंशाल्लाह बॉयज कर लेंगे यार कर लेंगे. तो रिजवान और बाबर की ओपनिंग है. एंड रियली नीड दिस कॉम्बो टू हिट हार्ड. चल जाएगा यार. दो कंसेक्यूटिव चौके. दो हवा में घुमा घुमा के चौके लग रहे हैं यार. ऐसे ही लग रहे हैं. ऐसे ही लगे जा रहे हैं. आज बस कर ऊपर से बस ऐसे ही लगे जा रहे हैं. आउट हो गया ना पिछले वाले में. इसलिए वाइट देते हैं ना. हाँ टाइम वेस्ट करते करते 150 बन गए. चलो क्रिकेट टीम में तो है.
माशाल्लाह इंडियन सपोर्टर्स हमारे जा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। यार बहुत बहुत ज्यादा मजे का मैच था एंड मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ, मैं क्रिकेट नहीं देखता इतना, बट ऐसे लगा कि यार अंदर से ना जोश और जज्बा आपका ऐसे जाग जाता है। एंड स्पेशली जिस पवेलियन में हम थे वहाँ पे शायद हम ही पाकिस्तानी थे, एक दो और फैमिलीज होंगी, और वो बहुत डिस्पर्स थी। सो बेसिकली पूरे स्टेडियम में इंडिया 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 हो रहा है, एंड देन सडनली व्हेन यू विन द मैच यू लाइक पाकिस्तान। तो यार आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। हाउ डू यू फील अबाउट इट? अमेजिंग, ओवरवेल्म्ड, फिनोमिनल, एक्सटैटिक। सिनोनिम्स खत्म हो गए मेरे पास, मेरे पास भी नहीं है यार। आई एम लिटरली स्पीचलेस। और इतना मज़ा मुझे पहले नहीं आया। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मौका बहुत चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।